क्या हुआ? दुकान बंद? पुष्पा उधर ही कोई दे नहीं रहे हैं? पुष्पा बिक गई दुकान? अबे पुष्पा जी क्या पुष्पा जी हम सबको छोड़कर चली गई हमेशा के लिए ऊपर, वो भी बिना उधारी दिए। नहीं 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 पुष्पा जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे कैसे नहीं जा सकती, चली गई वो भी उधारी दिए बिना, ये कोई बात हुई क्या? नहीं नहीं पुष्पा जी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। सच सच में सच कहो कि ये सच नहीं है, बताओ सच नहीं है बताओ। अबे बिल्ले सच कह रहे, अभी अभी संतोष और चीता यहाँ माता मना के अंदर गए हैं पुष्पा जी। नहीं पुष्पा जी हमें छोड़कर क्यों चली गई? ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारे बीच में है, मुझे महसूस हो रहा है कि वो हमारे पीछे से आएंगे और हमारे कंधे पर हाथ रख कर कहेंगे कि बिल्लू। हाँ अरे क्या हुआ? भूत आ रहा है, भूत भूत आ रहा है, भूत 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 भूत। पुष्पा जी चुप, कौन भूत का भूत कब? पुष्पा भूत नजर आती है तुमको? पुष्पा जी आ गई आप। पुष्पा जी तो जय हिंद मैडम। जय हिंद, अच्छा लग रहा है आपको देख के। संतू चीता जी मैडम। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। और तुम लोग, हम तुम लोगों को भूत नजर आते हैं? क्यों, जीते जागते सही सलामत इतने सुंदर तुम लोगों के सामने खड़े हैं, बताइए बताइए। तभी तो मैं बोला जीते जागते सुंदर। पुष्पा जी खबर किसने फैलाई? ये बदनाम ये पुष्पा जी वेलकम बैक। ये माफी माफी, स्वागत है पुष्पा जी आपका आपके फेवरेट गोलगप्पों के साथ। आपको पता, आपको देख के हमें कितना अच्छा लग रहा है इस वर्दी में, इस यूनिफॉर्म में देखकर। मतलब इतने दिनों से ये थाना में कैसे सूना सूना लग रहा था और आज एकदम ऐसे कंप्लीट लग रहा है। मेहंदी लगाई है? आपने कहा हमने लगा ली। देखो तो कितना गहरा रंग छोड़ा है मेहंदी ने। ऐसा कहते हैं जिस औरत के हाथ पर मेहंदी इतना गहरा रंग छोड़ती है ना, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। मेरे बीच छोड़ेगी? क्या छोड़ेगी? मेहंदी रंग। वेलकम बैक पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर इतने दिनों बाद। अब लग रहा है कि परिवार पूरा हो गया। बहुत मिस किया आपको। हमने भी। वैसे बहुत सही समय पर आई हैं आप, बहुत जरूरत है आपकी। आप जी बताइए क्या करना है? आपने राधे किशन के केस के बारे में तो सुन ही लिया होगा। राधे किशन का केस हमारे हाथ से निकल गया और वो बुलबुल पांडे के हाथ में चला गया। उसने डीएसपी सर से इतना चापलूसी किया कि उन्होंने केस उसको दे दिया है। अब देखो हमको केस हमारे हाथ में वापस चाहिए, उसके लिए हमने मुकाबले के लिए शर्त लगा लिया उससे, जो हमको किसी भी हाल में जीतना है। शर्त यह है कि अगर आप जीत गए तो केस आपका, लेकिन अगर हम जीते तो केस हमारा। मंजूर। और अगर हमने मुकाबला नहीं जीता ना पुष्पा जी, तो फिर राधे किशन के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुत मुसीबत हो जाएगा उसके लिए, जो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो मैडम अभी भी उम्मीद है कि हमें केस मिल सकता है? बिल्कुल, अगर हम ये मुकाबला जीत जाते हैं तो। लेकिन मैडम सर मुकाबला किस चीज का है? आ गए सब हारने के लिए? एक मिनट, ये कौन है? ये तो थाना स्टाफ नहीं है। सर आई एम बिलू द स्पाई, और मुकाबला तो थानों में है और लॉकअप थाने में आता है, सो आई एम हियर। अच्छा कैदी है, ठीक है हम भी हमारे कैदी को बुलाएंगे। बल्ले अब भी वक्त है मैडम, मान लो हार और निकल लो यहाँ से ठंडे ठंडे।
आपका महिला पुलिस थाना का बेइज्जती होने से बच जाएगा। मान लीजिए ये आपके बस का काम नहीं है, औरत हैं आप। हम जो औरतें हैं ना, हमारे साथ दिक्कत यही है, या तो हम कुछ ठानते नहीं है, या अगर हमने ठान लिया तो फिर आंधी आए या प्रलय आए हम हिलते नहीं है। और जहाँ तक थाने की इज्जत का सवाल है, हमें से कोई भी जीते जी तो उस पर हर्फ आने नहीं देगा। मारिए मारिए, डायलॉग मारने में कहा जाता है, लेकिन हार जीत का फैसला तो मुकाबले के बाद ही होगा। 10 मिनट में मुकाबला शुरू करते हैं। मैडम अभी सब कुछ आप ही के हाथ में है, क्योंकि अगर ये बुलबुल पांडे जीत गया ना तो मेरा बॉस मुझे वापस कभी नौकरी पे नहीं रखेगा। ये बुलबुल पांडे है ना, वो उससे मिला हुआ है। हाँ घबरा मत राधे, ऊपर वाला है हमारे साथ, तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। मगर कैसे मैडम सर, आपने देखा ना, जानबूझकर बुलबुल पांडे ने ऐसा मुकाबला रखा जो शारीरिक क्षमता पर निर्भर है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैडम सर, हम ये मुकाबला हारने वाले हैं। मैडम सर हम क्या कहते हैं, हमको आप बोलिए, हमने अपने 4-5 दोस्त को ऐसे महिला बना कर ना बुला लेते, अपनी टीम में घुसा लेंगे। चीता पुष्पा जी घबराइए मत, तजुर्बा कहता है हमारा कि ताकत कभी भी यहाँ नहीं, यहाँ होती है। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी से हम उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। मैडम सर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? बताते हैं। ओके यस सर। जिसने सामने वाली टीम को अपने पाले में खींच लिया, जीत उसी की। तैयार है आप लोग? एक मिनट, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग है। कौन सी चीटिंग? कौन सी रूल बुक में लिखा है कि रस्सा कशी का खेल बैठकर नहीं खेला जा सकता? दम है तो लगाइए जोर, खींचिए। ठीक है, लगाते हम भी जोर। हाँ। दिखाते आपको हमारा दम। लगाओ रे जोर, लगाओ जोर, खींचो। एक मिनट, गलत है ये। हाँ गलत है। हम भी बैठ के खेलेंगे। हाँ बैठ जा रे, बैठ जाओ। अम्मा ये क्या बात हो गई, ऐसे कैसे हार जीत का फैसला होगा फिर? तो क्या आप औरतों से हार मान ले? हम सर मैं तो कहता हूँ हार मान लीजिए आप, इन औरतों में बहुत धैर्य होता है, सारी दिन यही बैठी रह सकती है। अपना देख लीजिए, यहीं बैठे रह के फटना है या फिर। अच्छा ठीक है, हम भी उठ जाते हैं और आप भी उठ जाइए, एक फाइनल राउंड खेलते हैं, और ये फाइनल राउंड में कोई बैठेगा नहीं अभी। ओके सुनो, ये बहुत सही मौका है, हमारा प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये लोग खींच खींच के थक चुके हैं लेकिन हम लोग अभी भी फ्रेश हैं। ये सही मौका है, महिला पुलिस थाना पूरी ताकत लगा दो और खींचो। जी मैडम सर। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। हाँ जी आइए। रेडी? Thank you.
गए, जीत गए। बिल्ले, बिल, अरे सासु, हट, शूट। मगर ऐसे कैसे किसी फैसले पर जा सकते हैं हम? फैसला तो हो चुका, जैसे कि तय हुआ था कि केस चाहिए तो जीत के दिखाओ, और यहाँ पे मुकाबला ड्रॉ हुआ है, ना कोई जीता है ना कोई हारा है, यानी कि स्थिति वही है जो पहले थी। केस पहले भी हमारे पास था और अब भी हमारे पास रहेगा। मैडम अब क्या होगा? मैडम मुझे तो आप लोगों पे भरोसा था, मुझे नहीं लगता मुझे मेरी जॉब वापस मिलेगी। घबरा मत राधे, हम सिर्फ ये खेल हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार ही गए। तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिलेगी, हम फिर से कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक तुम्हारे बॉस जैसे लोगों को पटर्निटी लीव की अहमियत समझ नहीं जाती, जब तक वो तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस नहीं दे देते। पर कैसे मैडम सर, कैसे होगा ये सब? सनी चड्डा को फोन लगाइए। आइए आइए आइए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, क्या हुआ? हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा? हम हारे नहीं है बुलबुल पांडे, मकसद था राधे को उसकी नौकरी वापस दिलवाना और ये काम तो होके रहेगा। अच्छा वो कैसे? ये केस तो अब हमारे हाथ में है और राधे से जुड़ा हर फैसला हमारे हाथ में, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप ही करेंगे, राधे को उसका हक आप ही दिलाएंगे। लगता है हार का सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा मैडम से, दिमाग बोहरा गया आपका, जो कुछ भी बोले जा रही है। अरे कोई पर्स लाओ रे, इनका खोपड़ी पे रखने के लिए खोपड़ी सनक गई है इनकी, अजीब उठ पटांग सी परिकल्पना कर रही है इनकी खोपड़ी। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा, आइए मेरे साथ। पांडे जी, आपका एक इंटरव्यू लेना है, वो आपने महिला पुलिस थाने को हराया ना, तो उसी सिलसिले में आपसे कुछ चंद सवाल पूछने थे। वो हमारा न्यूज चैनल चाहता है कि कल के बुलेटिन पे सिर्फ आप ही आप छाए रहें, तो बताइए देंगे इंटरव्यू? हाँ हाँ जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। और बहुत सही मौके पे आए हैं आप, ये अभी अभी महिला पुलिस थाना वाले हारे हैं, आप उनसे पूछिए कैसा लग रहा है उनको हार के। पर मुकाबला तो ड्रॉ हुआ था ना सर? एक ही बात है, इनडायरेक्टली तो यही हारे हैं। तो शुरू करें इंटरव्यू। हाँ जरा मेकअप कर लेते हैं। मेकअप से चेहरे की लानत थोड़ी छुपेगी, वो तो इनबिल्ट है। मैं कह रहा था सर आप ऐसे खूब चमक रहे हैं, आप शुरू कीजिए। हाँ करिए करिए, रेडी। तो बताइए सर, हाँ। हालांकि मुकाबला ड्रॉ हुआ था, पर जैसा कि आपका कहना है कि इनडायरेक्टली आपने महिला पुलिस थाने को हराया है, yes. तो कैसा लग रहा है आपको महिला पुलिस थाने से जीतकर? भाई लगना लगाना क्या था, नहीं हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे। देखिए भाई, औरतें होती हैं, मर्द मर्द होते हैं, इनका हमसे क्या मुकाबला, इनको तो हारना ही था और हमें जीतना। SHO हसीना मलिक, आपको बुलबुल पांडे से हार कर कैसा लग रहा है? जिंदगी है, हार जीत तो चलती रहती है, खेल में कभी कोई जीतता है तो कभी हारता है, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि अब राधे का केस ये हैंडल करेंगे। सभी जानते हैं कि ये कितने होनहार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर, इसलिए हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा यकीन है कि बुलबुल पांडे राधे किशन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। क्या ये सच है पांडे जी, क्या आप राधे को इंसाफ दिलाएंगे? जरूर दिलवाएंगे इंसाफ, इन्होंने तो चुटकियों में हम महिला पुलिस थाने वालों को हरा दिया है, तो चुटकी में ये केस भी रफा दफा कर देंगे, राइट सर? पर बुलबुल जी, आपको कितना वक्त लगेगा ये केस सॉल्व कराने में? एक दिन। क्या सिर्फ एक दिन? बल्कि हमें तो लगता है ये भी हमने ज्यादा कहा है ना? हाँ 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 ज्यादा कहा है, एक दिन ज्यादा कहा है। अरे बहुत पहुंची हुई चीज है ये बुलबुल साहब, मजाक है क्या? देखना कल ही राधे अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होगा और ऑफिस की तरफ से उसे बची हुई तनख्वाह भी मिलेगी, वो भी लेट चार्ज के साथ। वाह 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 वाह। हाँ। क्या बात? सर 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 सर
सही कहा ना हमने? पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अब तो क्या? अपना नाम बदल देंगे? हाँ, कोई भी वाहियात सा, घटिया सा नाम दे दो, वो बदल देंगे। हाँ, जैसे बुलबुल पांडे, बुलबुल एक पक्षी का नाम है ना, तो दूसरा नाम भी पक्षी का ही ढूंढ लेंगे, जैसे उल्लू पांडे। उल्लू, उल्लू पांडे, क्या बात। तो ये था स्वैग हमारे बुलबुल पांडे का। इधर केस हाथ आया नहीं और उधर साबित कर दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही केस सॉल्व कर देंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि कल राधे को ना ही सिर्फ उनकी जॉब वापस मिलेगी बल्कि साथ साथ उनकी ड्यू सैलरी भी वापस मिल जाएगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो आप सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने पांडे जी ने ऐलान किया है कि वो अपना नाम बदल देंगे। तो दोस्तों, अजीबोगरीबो नाम की लिस्ट तैयार करें और हमें भेजना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी लाइंस आपके नामों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहेगी। थैंक यू। उम्मीद है अब बात समझ में आ गई होगी आपको पांडे जी। ये खेला आप लोग जीते हैं लेकिन बाजी हम सब लोग जीते हैं। अब एक काम करो, बर्फ लाके ना इनके सर पे मारो। हाँ, मतलब सर पे रख दो, काफी गर्म हो गया होगा ना आपका दिमाग। कहा था ना टेढ़ी पार्टी है, दूर रहिए, नहीं सुने, बजागे नहीं इज्जत की पिपड़ी। कोई बात नहीं बेटा, हम भी दिखाते हैं कि इनकी जीत हार में कैसे बदलती है और वही हार इनके थाने का तस्वीर पर कैसे चढ़ता है। ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखे तुमने, इन्हें क्रॉस चेक किया था? जी मैडम सर। जय मैडम सर। जय। ये लीजिए लड्डू। लड्डू? किस खुशी में? राधे को उसकी नौकरी वापस मिल गई ना। सच में? हाँ। आज ही गया है वो। अरे वाह, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने पुष्पा जी। पर पुष्पा जी, उसको जॉब मिलने की खुशी में आप क्यों लड्डू बांट रही हैं? अरे, उसकी जीत हम सबकी जीत नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हमको अच्छे से पता है कि लड्डू काहे बांटे जा रहे हैं। अच्छा, काहे बांटे जा रहे हैं? क्योंकि हमारा करवा चौथ का फास्ट है, हम लड्डू खा नहीं सकते, ये देख के हम अंदर ही अंदर जलेंगे, तिल मिलाएंगे, इसलिए आप लड्डू बांट रहे हैं। अरे अरे, हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं करिश्मा जी, ये आपको जलाने के लिए ऐसी कोई वाहियात सी तरकीब ढूंढे। और वैसे भी आज हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, आपने हमारे लल्ला की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है ना, तो बोलिए बोलिए बोलिए, आज हम दो बातें आपसे ही सुन लेंगे। ये देखिए, अभी भी इनको लल्ला की पड़ी है, ये नहीं हमने फास्ट रखा है, हमारी क्या हालत हो रही है इसकी नहीं पड़ी है, लल्ला की पड़ी है इनको। लल्ला हमारा लल्ला नहीं है। क्या क्या बोल रही है पुष्पा जी? पुष्पा जी क्या बात कर रही है आप? नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ हमारा लल्ला नहीं है, आपका पति भी तो है हमारा लल्ला। अच्छा, आप ऐसे रहे थी। तो आपने ये जो व्रत रखा है ना, वो हमारे लल्ला के लिए नहीं, आपके पति की लंबी आयु के लिए रखा है। अब उसमें अगर हमारे लल्ला का भला हो रहा है तो हम क्या करें? अरे रख का है, खाइए ना। नहीं नहीं, अब हम भी रात को खाएंगे आपके साथ। भाई ऐसा है, फिर तो हम भी नहीं खाएंगे, सबके साथ ही खाएंगे रात को, मैं भी। अरे नहीं नहीं, आप सब खाइए लड्डू, नहीं तो ये लड्डू नाराज हो जाएगा। हमें वैसे भी रतन चौक जाना है ड्यूटी के लिए, हम जा रहे हैं। जी कहिए। मैं संगीता, राधे की पत्नी। क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? राधे को पुलिस पकड़ के ले गई है। अम्मा ये क्या बात कर रही हैं आप? राधे के बॉस ने राधे को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जी इम्पॉसिबल, राधे ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन इन सब की जिम्मेदार आप ही लोग हैं। ये क्या कह रही हैं आप? तो और क्या बोले मैडम, आपसे बदला लेने के लिए उस बुलबुल पांडे ने उनकी कंपनी के बॉस के साथ मिलकर राधे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे ही फंसा दिया। देखिए आप घबराइए मत, हम राधे को निर्दोष साबित करके रहेंगे। कब साबित करेंगे आप? इस वक्त मेरी बच्ची को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पापा की है,
और वो है कि आपकी आपसी रंजिश की कीमत चुका रहे हैं। मुझे अपना पति चाहिए अभी। आपके पति घर लौटेंगे और आज ही लौटेंगे, ये हमारा वादा है। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, संभाल के प्लीज। आप कहाँ जा रही हैं? उस बुलबुल को ये बताने कि अगर दुश्मनी है तो सामने से वार करें, एक मासूम को निशाना ना बनाए अपनी मक्कारी का, अगर हिम्मत है तो सामने आए और ये टंटा हमेशा के लिए खत्म करें। आप अच्छे से जानती हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मामला और बिगड़ जाएगा। देखिए फिलहाल जरूरी है राधे को वहां से बाहर निकालना। कैसे होगा मैडम सर? वो हम देख लेंगे। आपकी रतन चौक पर ड्यूटी है ना? जी। आप जाइए ड्यूटी करिए, घबराइए मत, भरोसा रखिए हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। राधे वापस आएगा और आज ही आएगा। जय हिंद। जय हिंद।